1905 ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर इंडिया में भी कुछ हुआ था 1905 में, पता चला था बहुत कुछ हुआ था। बंगाल को डिवाइड किया गया था इंडिया में, बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल, जो आज भी हम लोग का वेस्ट बंगाल इंडिया में आ गया इसलिए, और ईस्ट बंगाल क्या बन गया बांग्लादेश। ये डिवाइड कर किया था 1905 में, किसने किया था लॉर्ड कर्जन ने, क्यों किया था सिर्फ इंडियन लोग को लड़ाने के लिए। ईस्ट बंगाल में क्या बोला सारा मुस्लिम लोग है, वहां मुस्लिम का पॉपुलेशन बहुत था, वेस्ट बंगाल में क्या बोला सारा हिंदू लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्लास 10 में हम लोग पढ़ने वाला है। तो यहाँ पे रशिया में 1905 में क्या हुआ वो देखना है। रशिया वॉज बट ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जब राजा पार्लियामेंट में जाए ना जाए उसका मर्जी है, वो कंसल्ट करे या ना करे उसका मर्जी है, कोई फोर्स नहीं। ऐसा कि ना जो बाद पार्लियामेंट में जाकर के मीटिंग वगैरह करता है वो ऑटोक्रेसी नहीं हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा मोनार्की हो जाएगा, मिनिस्टर से पूछ करके कुछ भी डिसीजन लेना। लेकिन यहाँ पे ऑटोक्रेसी था, किंग को कोई मतलब भी नहीं है, ये पार्लियामेंट वाला उससे कोई मतलब नहीं है। और किंग कौन था जार निकोलस टू, जार निकोलस टू रशिया का किंग था 1905 बताइए, पार्लियामेंट से कोई मतलब नहीं उसको। तो क्या हुआ 1904 का ईयर था, 1904 लिबरल्स डेमोक्रेट्स सोशलिस्ट वर्कर्स पीजेंट्स सब एक साथ आ गया। लीडर कौन है लिबरल्स लोग, लिबरल्स लोग कौन होता है जो कि फ्रीडम चाहता है, ये लोग डेमोक्रेट्स कौन होता है जो डेमोक्रेसी लाना चाहता है, सोशलिस्ट होता है जो ये बिलीव करता है कि प्रॉफिट सबका बीच में शेयर होना चाहिए, वर्कर्स फैक्ट्री वर्कर्स पीजेंट्स गांव वाले लोग। लिबरल्स लोग क्या किया देखा जब ये सब लोग गुस्सा आए सब लोग तो सबको एक साथ लेके आ गया, सबको एक साथ सब लोग एक साथ आया और क्या डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूशन पर डिमांड कर दिया कि हम लोग का कंट्री में क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, किंग अपना मर्जी से रूल नहीं करना चाहिए, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है रूल होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड करता है कौन लिबरल्स डेमोक्रेट्स सोशलिस्ट वर्कर्स पीजेंट्स सब लोग एक साथ आया और इन लोग कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किया, मतलब रशिया को ऑटोक्रेसी से ये लोग क्या लेके आना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में लाना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब इन लोग का जो है डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन का है, इन लोग के साथ ये दो ग्रुप भी आ गया नेशनलिस्ट और जालिनिस्ट। नेशनलिस्ट मतलब जो लोग अपना कंट्री के लिए फाइट करता है, जालिनिस्ट कौन होता है ये जो ऐसा मुस्लिम लोग ना जो अपना रिलीजन को रिफॉर्म करना चाहे, रिफॉर्म मतलब बुराई को निकालने वाला ऐसा मुस्लिम, जैसे हिंदुइज्म में कौन था राजा राम मोहन रॉय जिसने सती प्रथा को बैन करवा दिया रिफॉर्म किया हिंदुइज्म, वैसे ही जालिनिस्ट लोग रशिया में कौन था दोज मुस्लिम पीपल हु वांटेड टू मॉडर्नाइज इस्लाम, इस्लाम को मॉडर्नाइज कैसे करना रिफॉर्म करके। अब कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 टाइप का आदमी लोग साथ आगे सब लोग एक साथ। 1904 जो है बहुत बैड था रशिया के लिए, बहुत बैड ईयर था, बहुत ही ज्यादा बैड ईयर था रशिया के लिए, बैड ईयर 20% जो है ना रियल वेजेस वर्कर लोग का डिक्लाइन हो गया था। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है रियल वेजेस, रियल वेजेस होता क्या है, रियल वेजेस 20% तक कम हो गया रशिया में। रियल वेजेस क्या होता है, रियल वेजेस मतलब जैसे कि अभी कोई एक आदमी है वो 10,000 रुपया कमा रहा है, 10,000 से 8,000 में उसका काम चल जा रहा है, ठीक है 8,000 में। अगर यही जो है अगला अभी इस वक्त क्या होता है ये अगर मान लो 8 से 16,000 रुपया में उसका घर का काम चलने लगे तो रियल वेजेस 200% बढ़ गया, पहले तो उसका 8,000 में काम चल रहा था अब 16,000 में चल रहा है तो उसका रियल वेजेस का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा, वो तो डबल हो गया रियल का, इसी को रियल वेजेस बोला जाता है। तो रशिया में कितना बढ़ गया था 20%, वर्कर लोग का वेजेस तो बढ़ा नहीं लेकिन उन लोग का ये जो है इंक्रीज हो गया तो उन लोग को प्रॉब्लम हो गया। तो ऐसे ही एक ग्रुप था असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स 1905 में, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स ये किसका है एक ग्रुप है वर्कर लोग का, हम लोग कल डिसाइड पढ़ा हुआ था कि वर्कर्स लोग ग्रुप क्यों बनाया था बस ये एक वर्कर को हेल्प करने के लिए, अगर किसी का जॉब छीन जा रहा है तो उसको हेल्प करने के लिए और स्ट्राइक करने के लिए, इसी के लिए जो ये रशियन लोग बहुत सारा ग्रुप बनाया हुआ था यूनियंस जैसे होता है। तो यहाँ पे भी असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स था, इसका चार मेंबर को डिसमिस कर देता है ओनर काम से, कहां पे पुतिलो आयरन वर्क ये था नाम उस इंडस्ट्री का, पुतिलो आयरन वर्क
यहाँ पे लोग काम कर रहा था, इन लोग को डिसमिस कर दिया। कितना मेंबर? सिर्फ 4 मेंबर। तो ये जो यूनियन था इसने स्ट्राइक बुला लिया, 1,10,000 वर्कर्स लोग स्ट्राइक पे चला गया, 1,10,000। अब यहाँ पे सोचने वाला बात है कि इन लोग का डिमांड क्या होना चाहिए, स्ट्राइक का मेन डिमांड क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए मेन डिमांड? इंक्रीजिंग वेजेस। क्यों? यहाँ पे तो वर्कर लोग को जो है डिसमिस किया गया है, उन लोग के तब स्ट्राइक हुआ है, तो स्ट्राइक का स्ट्राइक हुआ क्यों यहाँ? क्योंकि सब एक साथ यूनिटी ये 4 को निकाला है, स्ट्राइक हो गया तो डिमांड क्या होगा स्ट्राइक का? कब स्ट्राइक वापस होगा? क्या क्या हो जाने के बाद? चार को निकाल दिया तब स्ट्राइक पे गया है तो डिमांड क्या होना चाहिए? हाँ, निकाला क्यों? वापस तो यही होना चाहिए ना, यही तो होना चाहिए, तभी तो स्ट्राइक पे गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, स्ट्राइक पे जाने का 3 रीजन था। पहला, वर्किंग आवर्स कम करो, हाँ वर्किंग कंडीशन अच्छा करो, फिर उसके बाद वेजेस, वेजेस जो है भाग ना, वेजेस इंक्रीज वेजेस, ये 3 डिमांड, सिर्फ 3 डिमांड। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 4 मेंबर्स को एक्सपेल किया गया, इसने स्ट्राइक की, इतना 1,10,000 वर्कर्स, लेकिन डिमांड कुछ और। अब ये लोग क्या किया कि प्रोसेसन जुलूस निकाल करके ये लोग जा रहा था कहाँ? विंटर पैलेस। ये विंटर पैलेस क्या होता है, मतलब अब तीन लोग का तो पहले का ऐसे ही था, जैसे जब ब्रिटिश इंडिया में था तो 2 कैपिटल बनाया हुआ था, एक तो दिल्ली और एक शिमला। मतलब ठंडा का मौसम में दिल्ली आ जाएगा और गर्मी का मौसम में शिमला चला जाएगा। तो वैसे ही यहाँ राजा लोग भी ऐसे ही लाइफ जीता था, समर पैलेस कुछ और होता था, विंटर पैलेस कुछ और होता था। तो ये लोग वर्कर लोग विंटर पैलेस की तरफ प्रोसेसन जुलूस निकाल करके जा रहा होता है। इन लोग का लीडर कौन था? फादर गैपन, गैपन इन लोग का लीडर होता है, फादर गैपन। जब लोग विंटर पैलेस पहुंचता है तो वहां पे सोल्जर लोग पहले से ही अलर्ट रहता है, बुक में मेंशन नहीं है लेकिन सुन लो, क्योंकि फादर गैपन असल में इन्फॉर्मर रहता है टीम का, वो पहले ही इन्फॉर्म कर देता है कि आदमी लोग आ रहा है, तो लोग रेडी हो जाता है। जब लोग वहां पहुंचता है, लेकिन लिखना मत कि वो इन्फॉर्मर करता है, फादर गैपन बस लीडर रहता है। जब वहां पहुंचता है, इन लोग को अटैक किया जाता है, 100 लोग मर जाता है और 300 जो है इंजर्ड हो जाता है। ये दिन था संडे का, इसलिए इस इंसिडेंट को नाम दिया गया ब्लडी संडे। कोई भी एग्जाम हो, 10 मार्क का एग्जाम हो, 5 मार्क का हो, 100 का हो, 80 का हो, ब्लडी संडे मिलेगा, डिस्क्राइब ब्लडी संडे, ये मिलने ही वाला। कब हुआ था? 1905 में ब्लडी संडे। अब इसके बाद जो क्या हुआ, जार मान लिया कि अब हम पार्लियामेंट बनाएगा, क्रिएशन ऑफ ड्यूमा, ड्यूमा मीन्स रशियन पार्लियामेंट। उस समय उसने बोला ठीक है, पार्लियामेंट होगा, वहां मेंबर लोग होगा, सब लोग उन लोग का हिसाब से रूल करेगा। लेकिन उसने अपने पास एक पावर रख लिया था, क्या पावर? कि कभी भी वो मेंबर लोग को डिसमिस कर सकता है। तो पहला डीमा 75 डेज के अंदर में डिसमिस हो गया था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार का इफेक्ट रशिया पे क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वार का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914, पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ 1914, खत्म कब होता है 1918, कहीं कहीं 19 भी लिखा हुआ मिल जाए। फर्स्ट वर्ल्ड पता है दो ग्रुप का बीच में हुआ था, एक था सेंट्रल पावर जिसमें मेन कंट्री कौन कौन सा था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, ठीक है, टर्की है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया, और ये टर्की, ऑटोमन टर्की एम्पायर, ये मेन कंट्री था, सेंट्रल पावर, ये तीनों ही मेन था। यहाँ पे जापान नहीं था, ठीक है, जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन लोग का ग्रुप नहीं आता, फर्स्ट में नहीं आता। और दूसरा क्या था, एलाइड, एलाइड में मेन कंट्री कौन सा था, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, लेटर ऑन 1917 में ज्वाइन बाय यूएस, यूएस 1917 में ज्वाइन किया था इसको, ये वार। अब इसमें क्या हुआ, रशिया जो है ना दोनों ईस्ट में भी लड़ रहा था, वेस्ट में भी लड़ रहा था, वेस्ट में। तो जर्मनी ने ना रशिया पे को बहुत बुरी तरह से डिफीट कर रहा था, जर्मनी डिफीट कर रहा था, सोल्जर्स लोग वार करने का कंटिन्यू, जब वार में रशिया गया ना तो वहां का आदमी लोग बहुत खुश हुआ। क्यों कुछ हुआ, ये सारा ग्रुप ग्लोबल एम्पायर था, ग्लोबल एम्पायर मतलब सबका कहीं ना कहीं कोई कंट्री था, सब रशियन लोग बहुत बहुत तारीफ किया करते थे जार निकोलस टू का, कि हाँ वार में गया बहुत अच्छा है,
क्यों? क्योंकि वार में जाने का मतलब क्या था, वार तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, नया नया टेरिटरीज मिल जाएगा, नया एरिया कैप्चर कर लेगा। जब कैप्चर कर लेगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे जाकर अपना इंडस्ट्री का सामान एलोन सेल कर सकता है, कंपटीशन नहीं होगा। जैसे अभी इंडिया में कोई अगर सेल करने आए तो इंडिया में कोई भी कंट्री वाला आके सेल करता है तो कंपटीशन हो जाता है, लेकिन जब वो लोग कैप्चर ही कर लेगा तो उसमें कंपटीशन कहाँ हो पाएगा, अपना ही सेल करेगा और वहां से रॉ मटेरियल मिल जाएगा। इसलिए रशिया का पब्लिक बहुत खुश हुआ कि रशिया ने भी भारत में एंट्री किया, सबसे सपोर्ट किया जा रहा, लेकिन सिर्फ दो रीजन के लिए, एक रिसोर्स के लिए और एक मार्केट विदाउट कंपटीशन। लेकिन जब बात चलते रहना तो जार कभी पार्लियामेंट में आया नहीं, बार का बाद में बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं आया, तो धीरे धीरे सपोर्ट कम होता चला, पीपल लोग क्रिटिसाइज करने लगा जार। अब जो है जर्मनी हरा रहा था रशिया को, रशियन सोल्जर लोग फाइट करने का मूड में ही नहीं, वो लोग फाइट नहीं करना चाहता। रशियन आर्मी को क्या बोलता है, रेड आर्मी, रेड आर्मी, ये हारने लगा था रेड आर्मी। अब क्या हुआ कि 7 मिलियन पीपल जो है मर गया रशिया का 1916। इन लोग को हराते हराते सोल्जर लोग रशिया का अंदर तक आ गए, तो इन लोगों ने क्या किया, जितना भी बॉर्डर एरिया थे, जो ट्रीज था, जो बिल्डिंग था, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या करने के लिए कि ये लोग जब वापस जाए तो इन लोग को, इस सोल्जर लोग को मार सके। लेकिन वहां पर एनिमी सोल्जर लोग आके वहीं रुक गया, हथियार डाल करके वहीं रहने लगा, तो 6 मिलियन जैसा रेफ्यूजी हो गया रशिया में, पहले से ही शॉर्टेज ऑफ फूड है और भी शॉर्टेज ऑफ फूड होने लगा। अब यहां से क्वेश्चन आएगा, इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार वन ऑन रशिया। तो पहला इफेक्ट क्या था, पीपल डाइड, लॉट्स ऑफ पीपल डाइड, पहला इफेक्ट। दूसरा शॉर्टेज ऑफ वर्कर, सारा आदमी लोग को कहां भेज दिया है, वार में लड़ने के लिए, तो वर्कर लोग का गांव में भी शॉर्टेज है, फैक्ट्री में भी शॉर्टेज है। रशिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट खत्म हो गया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, क्यों, क्योंकि बाल्टिक सी पे ना, बाल्टिक सी एक समुद्र है बाल्टिक, उसको जर्मनी कैप्चर कर लिया था, वहां से ही एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता था, तो इसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी बंद करता है। उसके बाद और क्या हुआ, प्राइजेस ऑफ फूड इंक्रीज, प्राइस बढ़ गया, प्राइजेस क्योंकि प्रोडक्शन ही कम हो रहा है, इंक्रीज होने लगा। कॉमन पीपल को शॉर्टेज ऑफ फूड फेस करना पड़ा, कॉमन पीपल को शॉर्टेज ऑफ फूड फेस करना पड़ा, फूड का शॉर्टेज, क्यों, क्योंकि जो भी फूड है वो पहले तो आर्मी का पास जा रहा है, जो बच रहा है वही मार्केट में आ रहा है, तो शॉर्टेज ऑफ फूड फेस करना पड़ा। फिर उसके बाद और इसका असर क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स लोग भी अनविलिंग है, अनविलिंग मतलब फाइट नहीं करना चाह रहा है, फाइट नहीं करना चाह रहा। फिर रशिया का जो फैक्ट्री बहुत सारा क्लोज हो गया, फैक्ट्रीज क्लोज, क्यों क्लोज हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है वर्कर का शॉर्टेज है, वर्कर लोग तो सब वार में गया हुआ है। वीमेन लोग को बाहर का काम करना पड़ा, वीमेन लोग स्टार्टेड डूइंग आउटडोर वर्क, आउटडोर वर्क करना पड़ा, क्योंकि मेल तो चला गया कहाँ फाइट करने, तो बाहर का काम भी कौन करेगा, फीमेल करेगा। तो ये सब कुछ इफेक्ट था वार का, किसका ऊपर, रशिया के ऊपर। लेकिन वार से रशिया को बहुत लॉस हुआ। इसके बाद जो है इसके बाद लोग बहुत सारा यूनियन वगैरह बना देगा, बना देने के बाद वार की यूनियन बनेगा, जार का पावर कम हो जाएगा, उसके बाद ये सब होगा। लेकिन वार कब हुआ था, 1914 से 1918 में। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन मिलता है, ब्लडी संडे एक्सप्लेन करना है और उसके बाद इफेक्ट ऑफ वार ऑन रशिया। ज्यादा टफ क्वेश्चन आने से क्या बना सकता है कि क्यों रशियन लोग बहुत खुश था जब रशिया जो है वार में गया था, ये ज्यादा टफ बनाने के लिए ये आ सकता है, बस और कुछ नहीं है।